हम टोटो वाले के साथ बैठे हुए हैं और वर्तमान में टोटो वाले की क्या स्थिति है वो जानेंगे। जिस तरह से लगातार मोदी सरकार में पेट्रोल और डीजल को लेकर जो बातें होती है कि अब इलेक्ट्रिसिटी और बैटरी पर इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड करना चाहिए लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा को बढ़ाना चाहिए ताकि प्रदूषण भी रुकेगा, लोग अपना जो है यूज जो है वो बिजली पर ज़्यादा निर्भर करेंगे, तो कहीं ना कहीं उसी चीज़ को अब देखा गया है कि लगातार अब पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ लगभग लगभग लोग छोड़ रहे हैं, अब स्कूटी भी आ गए हैं, अब रिक्शा ठेला के जगह अब टोटो आ गया है। लेकिन टोटो आने के बाद टोटो वालों के जीवन में क्या कुछ बदलाव हुआ है, क्या कमाई में बढ़ोतरी हुई है और उनका जीवन स्तर कितना संभला है, सुधरा है और इन 10 सालों में क्या कुछ उन लोगों ने नया किया है, उन चीज़ों के लिए हम बात करेंगे तमाम लोगों से। पहले उनका परिचय लेते हैं, घर कहाँ है, क्या नाम हुआ आपका? अजय दास। और आपका नाम क्या हुआ? सुखदेव यादव। और आपका नाम दादा? राजेश कुमार मंडल। तो ये बताइए कि आप लोग टोटो चालक हुए, टोटो कब लिए हैं आप लोग? मेरा टोटो नहीं है, उसका टोटो है। और उसका टोटो है, आपका टोटो हुआ। आप लोग कब टोटो लिए हैं? 2023 में। 23, एक साल हुआ। इससे पहले क्या करते थे? पहले ज्वारी काम करते, लेबरी काम। लेबरी काम। तो टोटो लेने के पीछे क्या मकसद रहा? अच्छा, ये बाहर जाते हैं तो मतलब बाहर में लॉकडाउन लग जाता है, ऐसे ऐसे में झमेला मिला होता है, मतलब काम करने में पैसा रुक जाता है, तो अपने घर में ले लिए, बोले अपने घर में बाल बच्चा के साथ रहेंगे और अपना कमाएंगे 10 रुपया। तो कैसा कमाई है टोटो में? कमाई तो ठीक है लेकिन बिजली ठीक से नहीं रहता है, क्या कमाई होगा? टाइम मतलब बिजली 1 घंटा आधा घंटा आता है, 2 घंटा कट गया। ये बगल में पावर प्लांट लगा है, अडानी पावर प्लांट, बिजली नहीं मिलता है? बिजली यहाँ पे मिल भी करता है टाइम को। इतना बड़ा बिजली उत्पादन कर रहा है, कहाँ जा रहा है? यहाँ पे तो टाइम से मतलब रात में देगा 4 घंटा 2 घंटा, उसके बाद लाइट काट देगा, फिर दिन भर लाइट नहीं रहेगा। आधा घंटा गैप रहता है। आप लोग यहाँ का मूल लोग टोटो चला रहे हैं, वो बिजली से चार्ज होता है, बिजली नहीं मिल रहा है, बिजली सही से नहीं मिल रहा है। अभी सांसद निशिकांत दुबे को से भेंट उठ हुई है? नहीं, लोग से भेंट नहीं हुआ है। आपसे नहीं हुआ है? आप नहीं हुआ? कभी नहीं, नहीं हुआ कभी नहीं। अच्छा, काम तो उनका सुने होंगे, देखे होंगे, काम क्या आप लोग देखे होंगे? क्या काम तो कुछ नहीं देखे, इधर देहात में मतलब बड़ा बड़ा बाजार में करता है वो। देहात में आप लोग भी इसी लोकसभा के हैं, यहाँ के जनता हैं? तो यहाँ का नहीं, हम लोग तो यहाँ से कम से 7-8 किलोमीटर अंदर के हैं। गोड्डा लोकसभा के हैं ना? सरियाट पुड़ियाट के हैं? हाँ, पुड़ियाट विधानसभा के हैं। इधर क्या कुछ निशिकांत दुबे आप लोग के लिए किए या क्या बदला है इधर? इधर तो कुछ नहीं बदला, हम लोग घर के तरफ रोड भी बनाया, इस बार रोड भी एकदम चला गया, साल भर नहीं रोड खत्म हो गया, रोड भी खत्म हो गया। टोटो किसने चलाते हैं? उसी में देखिए टायर का अवस्था खराब, के साल भर नहीं हुआ, टायर का अवस्था देखिए, बड़ा बड़ा ढेला में गाड़ी चलता है, टायर का अवस्था लेकिन पूरा खत्म हो गया, रद्दी हो गया, टायर पलटी करने बोल रहा है, मैं इतना बड़ा बड़ा गोटी निकल गया। बाहर क्या काम सुने इनका, बाहर जो बच्चा काम हो? बाहर में वही एम्स दिया है, देवघर में एयरपोर्ट दिया है, ये सब रेलवे दिया है, ये सब दिया है। और हम लोग के लिए तो फायदा हुआ, आप कभी भी हवाई जहाज में चढ़ के बाहर जा सकते हैं। हम लोग गरीब आदमी चढ़ पाएंगे? बड़ा बड़ा आदमी चढ़ता है, सामान खाने वाला क्या चढ़ा है हम लोग कहाँ आते हैं? मोदी जी तो बोलते हैं हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में चढ़ेगा, कहाँ से चढ़ेंगे, पैसा उतना रहेगा, कहाँ से चढ़ेगा? रोजगार बढ़ा है कि नहीं कुछ आप लोग? कुछ नहीं बढ़ा, कुछ नहीं समझ में आया, कुछ समझ में आया, जैसा के तैसे देख रहे हैं, गरीब तो गरीबी और बढ़ रहा है, महंगाई का असर कुछ आप लोगों के जीवन में? ज्यादा महंगाई, महंगाई कम जाएगा, महंगाई ज्यादा महंगाई है। क्या क्या महंगा से लगता है? हर चीज महंगाई है, सब चीज में महंगाई है, सब गैस में ही खाना बनाते हैं, गैस भी महंगा है, हर चीज। लेकिन मोदी जी का 5 किलो चावल जो देते हैं वो मिलता है कि नहीं? वो मिल रहा है, इस काम, इस काम से खुश है मोदी जी का काम से खुश है कि नहीं? हाँ, ये है, मिल रहा है मोदी का। और कौन सा काम से खुश है चावल के अलावा? ये चावल है, ये 2000 पैसा देता है, यही सब। 2000 कब मिलता है? चार महीना में एक बार, साल में 3 बार मिलता है, 3 बार मिलता है 2000 करके, किसान वाला सामान्य दो को फायदा है। और बाकी तो कुछ नहीं, अभी फिलहाल में कुछ नहीं है। क्या हवा लग रहा है इधर? प्रदीप यादव एक तरफ चुनाव लड़ रहे हैं, एक तरफ निशिकांत दुबे लड़ रहे हैं, किसका पल रहा है भाई लग रहा है इधर? हवा तो अभी निशिकांत दुबे का है इधर, अब की बार कुछ प्रदीप यादव टक्कर देगा।
हवा निशिकांत दुबे का लग रहा है, लेकिन अभी की बार पर्दिया टक्कर देगा। तो पिछले बार क्या हो गया था? पिछले बोले पिछले बार मुस्कुरा रहे ने बोली पिछले बार हम लोग उतना नहीं। इस बार कैसा लग रहा है कि माहौल आप लोग का, इस बार कौन जीतेगा? निशिकांत दुबे ही निकलेगा। कभी मुलाकात हुई नहीं? नहीं हुआ है। पर्दिया से मुलाकात हुआ? उससे हुआ है, वो तो आते रहता है, मैं 2-10 दिन में आते रहता है यहाँ और घूम के जाता है। और निशिकांत भी कहाँ के हैं? वो भी लोकल ही है, बिहार का है। बिहार का है। फिर कभी नहीं हुआ, कभी ऐसे सामने से नहीं हुआ है। माहौल इस बार थोड़ा सा टफ लग रहा है, कॉम्पिटिशन टफ होगा। आपका क्या नाम भैया? हाँ, इसमें इन्वॉल्व नहीं है। नाम नाम बसंत है। बसंत क्या करते हैं? बस यही टोटो है हमारे, टोटो पे ही बैठे आप। ओ, आप ही टोटो जब बैठे। अच्छा, कितने में लिए टोटो? बेटे टोटो कितना में लिए? ये 2 लाख। कहाँ से लिए? गोड्डा से। पहले तो टोटो आपका 1,80,000 में हो जाता था, एक साल के दरमियान इतना दाम बढ़ गया, 2 लाख हो गया। अब बैटरी कितना दिन तक चलता है? करीबन 8-9 महीने। इसका बैटरी मात्र 8-9 महीना चलता है? लोडिंग पे 8-9 महीना ही चलेगा। शोरूम बोला, कमाई वगैरह होता है कि नहीं? वही 100-200। क्या बोले शोरूम बोला? शोरूम बोला बोला कि 1.5 साल रहेगा गारंटी, लेकिन वही 8-9 महीने बैटरी शेष। शोरूम बोला के पास जाता कोई सुनवाई नहीं करता है? क्या कोई सुनवाई नहीं करता है? फिलहाल माहौल टफ है, गर्मी वाला माहौल है, लोग कमाने का सोच रहे हैं, लेकिन टोटो चार्ज होने के लिए बिजली चाहिए। अडानी पावर प्लांट बगल में ही लगा है, लेकिन बिजली बमुश्किल 1 घंटा ही मिलता है, 1-2 घंटा ऐसे ही मिलता है। यही है विकास गोड्डा लोकसभा का।